हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन जो कि जी मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल्स टू थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई सच दैट 1 प्लस 2 आई साइन थीटा बाय 1 माइनस आई साइन थीटा इज प्योरली इमेजिनरी। ये जो पोर्शन गिवन है ना, ये क्या है? प्योरली इमेजिनरी है। दैट मीन्स आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके, then the sum of the elements in A equals to what? आपसे पूछा क्या गया है कि A में जो elements है उसका sum क्या होगा? मतलब क्या करना होगा सबसे पहले? Just we have to calculate the value of theta and then theta का value क्या चाहिए? Theta का value चाहिए 0 से 2 pi के बीच में। And जितने भी values of theta आने वाला है, you have to just calculate the sum of that all theta. Okay? Option क्या है यहाँ पे? Options है 2 pi, pi, 3 pi and 4 pi. तो चलो बनाते हैं इसको। We have a complex number, say that z, which is 1 plus twice of I sin theta and divide by 1 minus I sin theta. अगर इसको रेशनलाइज करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, तो किससे मल्टीप्लाई करें? 1 प्लस आई साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस आई साइन थीटा। ओके, अपर पार्ट को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सिचुएशन क्या क्रिएट होगा? 1 इंटू 1 इज 1 प्लस आई साइन थीटा, और अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ट्वाइस ऑफ आई साइन थीटा, एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ऑफ 2 आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस टोटल डिवाइड बाय दिस इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा एंड माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब आपको क्या करना है, देखो आई स्क्वायर का वैल्यू तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा? माइनस 1, तो नीचे वाला तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी आई स्क्वायर है, दैट इज वो भी माइनस 1 होगा, तो टर्म क्या बनेगा? देखो तो दिस इज 1, दिस इज माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड इस दोनों को अगर देखा जाए तो दिस इज प्लस 3 टाइम्स ऑफ आई साइन थीटा एंड टोटल डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ ऐसा टर्म आया, अगर आप दोनों को सेपरेट करोगे तो क्या मिलेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड द सेकेंड टर्म इज आई टाइम्स ऑफ 3 साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ इस तरह का टर्म आया हम लोग का जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये क्या है? प्योरली इमेजिनरी है। मतलब इसका रियल पार्ट को आप किससे इक्वेट करोगे? जीरो से इक्वेट करोगे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस पोर्शन को जीरो से इक्वेट कर देते हैं। दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन में गिवन है इसलिए हम लोगों ने इसको जीरो से इक्वेट किया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा? हम लोग को मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा आपको 1 बाई 2, और साइन थीटा क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट ओवर 1 बाई 2। दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2 या तो माइनस 1 बाई रूट 2। ये दोनों वैल्यू किसका मिला? साइन थीटा का। बट हम लोगों को क्या चाहिए? थीटा का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले तो एक टर्म ट्रिगोनोमेट्री का जो आपको याद होना चाहिए था, जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता था फॉर्मूला? अगर आपके पास साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई है, देन यू कैन से दैट एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर एन टाइम्स ऑफ वाई, और एन क्या होता है उसमें? इंटीजर होता है। तो इसका यूज करेंगे हम लोग इस दोनों केस में और देखेंगे थीटा का वैल्यू क्या क्या आ रहा है। जैसे कि फॉर द फर्स्ट केस वी कैन से दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 4, बिकॉज साइन पाई बाय 4 का वैल्यू 1 बाय रूट 2 होता है, एंड फ्रॉम द सेकेंड केस दैट इज साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस पाई बाय 4, मतलब साइन माइनस 45 डिग्री का वैल्यू माइनस 1 बाय रूट 2 होता है। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मुला वी जस्ट से दैट कि थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर एन इंटू वाई, एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज योर पाई बाय 4। And similarly, from the second case, theta equals to n pi plus minus 1 ka power n into minus pi by 4. Okay, अब आपको क्या करना है? n का different values लेना है। n का different values मतलब 0, 1, 2, 3, 4, negative side में भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि आपको theta का वो value लेना है which is belongs from 0 to 2 pi. तो जैसे कि अगर हम लोग n के जगह minus 1 लिया होता है, n के जगह minus 1,
फॉर दिस केस. ओके, तो अगर एन के जगह माइनस वन होते थे माइनस फाइव हो जाता, एंड दिस इज माइनस ऑफ प्लस ऑफ पाई बाई फोर माइनस फाइव. अगर चलो फुट करके देख लेते हैं, एन इक्वल्स टू माइनस वन फुट किया तो थीटा इक्वल्स टू कितना होता माइनस फाइव, इसका पावर माइनस वन मतलब माइनस वन हो जाएगा, एंड दिस इज माइनस फाइव बाई फोर. देखो ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट होता. अब माइनस पाई और माइनस 45 तो क्या हो जाएगा, जीरो से टू पाई के बीच में डेफिनेटली नहीं आएगा, तो ये वैल्यू को हम लोग इंक्लूड नहीं करने वाले. ओके, तो अभी हम लोग एन की जगह क्या पुट करने वाले, जीरो पुट करके देख लेते हैं. एन की जगह अगर आप जीरो पुट करोगे तो सिचुएशन क्या क्रिएट हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू जीरो माइनस वन का पावर जीरो इज पॉजिटिव एंड पाई बाई फोर. तो देखो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री आ रहा है जो कि इसके अंदर में आ रहा है, दैट इज वी जस्ट टेक द वैल्यू ऑफ थीटा इज पाई बाई फोर. द फर्स्ट वैल्यू ऑफ थीटा इज पाई बाई फोर जो कि मैं साइड में लिख के रख रहा हूं. ओके, अब सिमिलरली क्या करेंगे ना, एन के जगह वन पुट करके देखते हैं और देखते हैं क्या आता है वैल्यू. एन के जगह वन होता तो सिचुएशन क्या होता, दिस इज वन इंटू पाई दैट इज पाई, और माइनस वन का पावर वन इज नेगेटिव एंड पाई बाई फोर. इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, थ्री पाई बाई फोर हो जाएगा. देखो एलसीएम लिया, फोर एलसीएम होगा फोर, एंड फोर पाई माइनस पाई इज थ्री पाई. तो थ्री पाई बाई फोर, पाई बाई फोर मतलब 45 इंटू थ्री करोगे तो 130 135 आएगा, 135 डिग्री आएगा जो कि 0 से 2 पाई के बीच में आ रहा है, दैट इज वी जस्ट टेक द वैल्यू ऑफ थीटा इज 3 पाई बाई 4. तो दो वैल्यू मिला, और भी मिलेगा कि नहीं वो भी देख लेते हैं. जैसे कि n के जगह पुट किया हम लोगों ने 2, तो जैसे 2 पुट करेंगे तो सिचुएशन क्या हो जाएगा, थीटा का 2 पाई प्लस माइनस 1 का पावर 2, माइनस 1 का पावर 2 मतलब पॉजिटिव एंड पाई बाई 4, 2 पाई मतलब 360 एंड प्लस पाई बाई 4, तो 2 पाई से तो डेफिनेटली ये ग्रेटर होने वाला है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 पाई से लेस ले रहा था, तो दिस इज नॉट आवर आंसर. ओके, तो फिलहाल फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी जस्ट हैव द वैल्यू ऑफ थीटा इज पाई बाई 4 एंड 3 पाई बाई 4. एंड सिमिलरली अगर हम लोग सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करा के देखेंगे देन वी ऑल्सो गेट द सम वैल्यूज ऑफ एक्स थीटा लाइक. ओके, फॉर द फर्स्ट केस लाइक एन इक्वल्स टू माइनस 1 लिया तो क्या होता, देखो तो थीटा इक्वल्स टू होता माइनस पाई एंड अगेन दिस इज माइनस वन एंड माइनस प्लस पाई बाई फोर. तो माइनस 180 प्लस 45 तो नेगेटिव तो आएगा डेफिनेटली, बट हम लोगों को ले रहा था पॉजिटिव 0 से 2 पाई के बीच, मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ठीक है, अभी n के जगह 0 पुट करके देख लेते हैं. n के जगह 0 पुट करके देखा तो दिस इज थीटा इक्वल्स टू 0 माइनस 1 का पावर 0 विच इज 1 पॉजिटिव में, और इंटू माइनस पाई बाई 4 तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा माइनस पाई बाई 4 माइनस 45, तो माइनस 45 को तो लेना ही नहीं है. ओके, तो दिस इज ऑल्सो नॉट आवर आंसर. तो क्या चेक करें, n के जगह 1 रख के देखते हैं तो थीटा कितना होता, थीटा होता पाई माइनस 1 का पावर 1 विच इज नेगेटिव, और फिर देखो यहाँ पे फिर से एक माइनस है तो पाई बाई 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 4 मतलब 5 पाई बाई 4. ये रहा 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 का मतलब कितना हो रहा है 45 इंटू 5, 45 इंटू 5 कितना हो जाएगा 225 डिग्री जो कि 0 से 360 के बीच में आ रहा है, दैट इज वी हैव अ वैल्यू अगेन विच इज 5 पाई बाई 4. तो ये भी थीटा का वैल्यू हो जाएगा. सिमिलरली n के जगह 2 रख के देखो, n के जगह 2 रख के तो क्या होता सिचुएशन, द वैल्यू ऑफ थीटा इज 2 पाई, दिस इज माइनस 1 का पावर 2 दैट इज पॉजिटिव, बट एक्स्ट्रा माइनस 5 बाई 4 है तो मैंने माइनस 5 बाई 4 कर दिया. तो सिचुएशन क्या क्रिएट हुआ, देखो 2 पाई से छोटा है ना, 2 पाई माइनस 45 क्या, तो डेफिनेटली वो 2 पाई से छोटा ही आने वाला है. एक्चुअल में कितना हो जाएगा 8 पाई माइनस 1, देखो दिस इज 7 पाई बाय 4, तो 2 पाई से छोटा है मतलब हम लोग उस वैल्यू को इंक्लूड करना है यहाँ पे. देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगेन 7 पाई बाय 4. तो ये हम लोगों ने वैल्यू ऑफ थीटा निकाल लिया. अगर आप n के जगह 3 पुट करोगे ना तो ये 3 पाई हो जाएगा जो कि 2 पाई से ग्रेटर होगा. ओके, तो हम लोग को बेसिकली थीटा का 4 ही वैल्यू आया विच इज पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4. बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए. ओके, तो इस सारे एलिमेंट्स को क्या करो आप, ऐड कर दो. तो ऐड करना बहुत इजी है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर को सिंपल ऐड करना है. 7 5 12 3 15 और 1 16 16/4 आ रहा है, 16 पाई बाई 4, तो इसको कैंसिल करोगे तो 4 पाई आ जाएगा.
दिस इज 4, तो आंसर क्या आ जाएगा सम का वैल्यू 4 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, जो कि हम लोग का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।